ज्यादा बर्बाद हो रहा है और नहर आगे इतना खराब है कि नहर को जाम कर दिया है, पानी आगे जाता ही नहीं है। ये पानी एक तरफा जा रहा है करीब कल ही से, इतना है नहर के इतना जाम कर दिया आगे पानी जब जाता है सब पानी उल्टा फसल ही की तरफ लौट रहा है, जिससे कि फसल को बचाना काफी मुश्किल हो गया है। कितना एकड़ फसल में आप पानी घुसा होगा? लगभग 20-25 एकड़ होगा सर, कम से कम 100 एकड़ जब फसल में चला गया पानी। कोसी विभाग के द्वारा कोई पदाधिकारी आकर के यहाँ जो है बन बनवाए? कोई पदाधिकारी नहीं आया, यहाँ पर कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई किसी का कोई खबर नहीं। तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? अब हमको हम लोग को जहाँ तक हो रहा है अपने स्तर से इसको कुदार लेके बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, जहाँ तक कोशिश हो रहा कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सर नजर, घर मगेली। कुदाल लेकर क्यों खड़े हैं खेत के अंदर? मशीन लगाए हुए हैं। नहर का पानी जो गिरा हुआ है, यानी नहर का पानी की क्या आपका पूरा खेत बर्बाद हो चुका है? पूरा गेहूँ मकई दोनों बर्बाद हो चुका है, बराबर पानी है। अच्छा, आप मशीन कब से लगाए हुए हैं? कल सुबह से, पूरा दिन हुआ, कल रात हुआ, पूरा अभी चल रहा है। अभी तक करीबन 24-25 घंटा से ऊपर हो चुका आपका मशीन यहाँ लगा हुआ है ना? घंटा, यानी 36 घंटा करीब ऊपर ही मानिए हो गया आपका मशीन लगा हुआ। यानी ये पानी निकालने के बावजूद भी आपका गेहूँ बचने का कोई उम्मीद नहीं? तो क्या आप सरकार से क्या निवेदन करते हैं, आप क्या मांग करते हैं? मुआवजा देगा, यानी आप सरकार से मुआवजा मांगते हैं। तो ये जो है कि फसल गेहूँ है आपका ना? गेहूँ मकई दोनों है। और आपका मकई जो है कितने पत्ते का है? 4 पत्ते, यानी 2-3-4 पत्ते का है। और मकई के ऊपर से पानी है, कितना पानी है? पानी भर होना पानी है। अच्छा, भर होना पानी है, बहुत जाना भी है। तो क्या आपका मकई बच सकता है पानी निकालने के बाद? यानी ख़त्मे है समझ लीजिए। तो आप इतना महंगा बीज लगाए, मैं तो सोच रहा था क्या क्या आप यहाँ पर जो है कि पानी पता रहे हैं, यानी पता चला कि आप खेत से पानी निकाल रहे हैं। अभी तक चल ही रहा है। तो सर आपका परिचय, आपका नाम क्या हुआ? आपका पिता का नाम? शेख शफी। आपके गांव का नाम? पर ये पंचायत मगेली। और ये